एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल, वो भी छोटे बालों में साड़ी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि सीजन चल रहा है तो दशहरे में भी आप ये हेयर स्टाइल बना के आराम से अपना घूमने जा सकते हो कहीं भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सेंटर पार्टीशन करनी है, बीच की मांग निकाल लेनी है। ओके, बीच की मांग निकालने के बाद आपको क्राउन एरिया पर से अपने थोड़ा सा हेयर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ एग्जैक्ट वैसे ही आपको भी करना है। एक डबल बैंड चाहिए इसके लिए, ये पतला वाला, और इस तरीके से क्राउन एरिया पे से हेयर को लेना है, अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करके आपको यहाँ पे रबर बैंड लगा लेना है पतला वाला। रबर बैंड को लगाने के बाद फिर हल्का सा बालों को इस तरीके से खींचना है। कि आपका जो काम एरिया का हेयर है उसमें थोड़ा सा मैचिंग निकाल जाए। ओके, इस तरीके से आपको बैक से दिखेगा ये और ऐसा फ्रंट से दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने ये जो बाल हैं उनको थोड़ा थोड़ा लेयर सेक्शन में उठाना है और इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ऊपर की तरफ ले जाके ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके हल्का हल्का सा इसको खींचना है इस तरीके से। अगेन दूसरा लेयर लेना है और इसके साथ मिक्स कर देना है। अगेन ट्विस्ट करना है और फिर खींचना है। थोड़ा सा मैसी हेयर स्टाइल होगा ये। फिर से तीसरा लेयर लेना है और मिक्स करते जाना। ध्यान रखिएगा ऐसे पीछे की तरफ ही हेयर को रखना है, नहीं तो आपकी जो स्कैल्प है वो दिखने लग जाएगी और आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अगेन लेयर को लेते जाना है एंड साथ में मिक्स करते जाना है और ये खींचना मत भूलिएगा। अब इसको जहाँ पे रबर बैंड है एग्जैक्ट वहीं पे ले जाके बॉबी क्लिप से सिक्योर कर लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का लूज रखना है और बॉबी क्लिप को लगा देना है। ओके, तो सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड करना है। लेयर लेंगे इस तरीके से और ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा ज़्यादा देर तक ट्विस्ट करना है एंड खींच लेना है बालों को। फिर सेकेंड लेयर लेंगे और मिक्स करेंगे। थर्ड लेयर लेंगे एंड मिक्स करके ट्विस्ट करेंगे एंड फोर्थ लेयर लेंगे ईयर के पीछे तक ट्विस्ट करेंगे। ओके, अब रबर बैंड के पास ले जाके एक और बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से क्रॉसिंग पिन को लगाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं, अगर आप जुड़ा नहीं बनाना चाहते हो तो इस तरीके से ही आप कहीं भी मार्केट वगैरह जा सकते हो इतना ओपन रख के। अगर आपको खुला बाल पसंद नहीं है या फिर आप अनकम्फर्टेबल रहते हो तो तरीके से साइड से मैं लेयर्स निकाल ले रही हूँ। छोटे बाल होंगे तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। इतना करने के बाद से अगर आपको फर्स्ट हेयर स्टाइल में वैसे छोड़ सकते हो उसको, बट अगर आपको जूड़ा बनाना है, खुला नहीं रखना है, तो आप क्या करोगे, सारे बालों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि छोटे बाल हैं तो सिंपल ओरिजिनल हेयर स्टाइल बनाना, तो बाल आपका जो बन है वो काफ़ी बड़ा तो नहीं दिखेगा। तो आपको इसके लिए डोनट बन या फिर कोई भी हेयर स्टाइल हेयर मेकर लेना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने ले लिया है, इसको हल्का सा यूज कर लेंगे ताकि आपको अनकम्फर्टेबल ना हो एंड बालों में दर्द ना हो। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से रबर बैंड को लगा लिया है। अब मैं ये वाला हेयर मेकर ले रही हूँ या मैंने ऑनलाइन लिया था। आपको ये ऐसे भी
सिंपली मैं इस तरीके से लगाऊंगी और नीचे की तरफ से इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। लेयर भी कटे हुए हैं, मेरे हेयर निकल जा रहे हैं, अगर आपके भी कटे हुए हैं तो आप इस तरीके से साथ साथ में करते जाइएगा। और वो सिंपली ऊपर की तरफ लेके आएंगे और इस तरीके से लगा देंगे। अब जो नीचे के हेयर हैं इनको फैलाएंगे और जितना आपका हेयर मेकअप दिख रहा है वहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ पे यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे और ये बहुत ईजी सेल्फ हेयर स्टाइल आपका बन के रेडी हो जाएगा। आप कहीं भी शॉपिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, या फिर कोई ओकेजन है, पार्टी है, तो आप ये बना सकते हो। इसके साथ आप इसको डेकोरेट करने के लिए जुड़ा पिन, फ्लावर्स वाले जुड़ा पिन, या फिर वो ले सकते हो, यू पिन ले सकते हो, या फिर गजरा भी अटैच कर सकते हो शादी फंक्शन में अगर आप बना रहे हो ये हेयर स्टाइल को। बहुत ईजी है, सेल्फ है, सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ है, आपको पार्लर में पैसे लेने की जरूरत नहीं, आप खुद से बना लोगे और काफ़ी अच्छा एंड अट्रैक्टिव लगता है ये हेयर स्टाइल। और मुझे इधर का ट्विस्टिंग जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लूज लग रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पिन और अटैच करूँगी। और ये हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट बन चुका है पूरा। सिंपल एंड क्विक हेयर स्टाइल और बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, स्टाइलिश लगता है, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाइए नहीं, एक और हेयर स्टाइल है ओपन बालों के लिए, तो वो भी देख लीजिए। तो तीन हेयर स्टाइल थे जो कि साड़ी के लिए बेस्ट रहेंगे, किसी भी ओकेजन, पार्टी, शादी, फंक्शन है, तो आप ये तीनों हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो लास्ट वाला हेयर स्टाइल है वो फर्स्ट में दिखा दे रही हूँ। ओके, बाय।